हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायो नॉलेज। तो गाइस, आज से हम चैप्टर वाइज लेक्चर्स को शुरू करेंगे, जो कि मैं आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे डेली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किया करूंगा। तो यदि आपको इन लेक्चर्स से पढ़ने में यदि कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके बता सकते हो। तो मानव स्वास्थ्य और रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका था कि रोग क्या होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं और स्वास्थ्य क्या होता है, इसके ही बारे में बता चुका था। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, ये मैं आप लोगों को बता चुका था। तो यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप लोग उन्हें देख लेना। मैंने अपने चैनल्स पर उन्हें अपलोड करके रखा हुआ है, जिसकी जिसकी मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो जब आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे, तो आप लोगों के ऊपर एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। तो आप लोग वहाँ पर जब देखोगे, तो वहाँ पर वो सारी आप लोगों को वीडियोस दिखाई देंगी। तो अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरह की होती है, यानी कि प्रतिरक्षा कहते हैं हम इसे, इम्यूनिटी ये मैंने बताई थी आप लोगों को दो तरह की। एक तो बताई थी मैंने सहज प्रतिरक्षा, और एक बताई थी मैंने उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो सहज प्रतिरक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। और उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो हमें जन्म के बाद में प्राप्त होती है, ठीक। तो सहज प्रतिरक्षा हमें जन्म से प्राप्त होती थी, लेकिन जो उपार्जित जो प्रतिरक्षा है, वो हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। तो यहाँ पर उपार्जित प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा है, एक ऐसी प्रतिरक्षा है जो कि हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है। और यह विशिष्ट होती है, ठीक। और यह होती है। अब ये हमारे अंदर क्या करती है, देखो, जब कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है पहली बार, तो ये एक अनुक्रिया उत्पन्न करती है जो कि निम्न तीव्रता की होती है, जिसे हम प्राथमिक अनुक्रिया भी कहते हैं। लेकिन जब दूसरी बार वही रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो ये एक उच्च तीव्रता की अनुक्रिया उत्पन्न करता है जो कि रोगजनक को मार देती है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर में काम करती है और हमारे शरीर को सुरक्षित रखने का काम करती है। तो देखेंगे हम, हमारे शरीर में जब पहली बार कोई रोगजनक प्रवेश करता है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा एक अनुक्रिया उत्पन्न करती है जिसे हम प्राथमिक
प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं, जो कि निम्न तीव्रता की होती है कि होती है, और जब दूसरी बार वही रोगजनक रोगजनक हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो यह प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा उच्च तीव्रता की अनुक्रिया उत्पन्न करता है, अनुक्रिया उत्पन्न करती है जिसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। तो ठीक, जब हमारे शरीर में पहली बार कोई रोगजनक प्रवेश करता है तो ये प्रतिरक्षा जो होती है, एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है, वो एक अनुक्रिया उत्पन्न करती है जो कि निम्न तीव्रता की होती है और उसे हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। ठीक, और जब वही रोगजनक जब हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश होता है तो एक उच्च तीव्रता की अनुक्रिया उत्पन्न होती है जिसे हम द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। और फिर ये जो द्वितीयक अनुक्रिया है यह रोगजनक को हमारे शरीर में नष्ट करने का काम करती है। तो हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसके विशिष्ट लक्षण क्या है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट लक्षण लक्षण तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ये एक विशिष्ट होती है। ठीक, तो सबसे पहला लक्षण है इसका एक विशिष्टता। विशिष्टता विशिष्टता क्या होती है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है कि ये प्रत्येक रोगजनक को पहचान लेती है और प्रत्येक रोगजनक के लिए एक स्पेसिफिक ही होती है। ठीक, तो देखो विशिष्टता यानी स्पेसिफिक, तो उपार्जित प्रतिरक्षा का यह एक विशिष्ट लक्षण है क्योंकि यह रोगजनक को पहचान लेती है और प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्ट होती है। और दूसरा लक्षण होता है इसका स्वयं एक दूसरे के बीच विभिन्नता स्वयं एक दूसरे के बीच विभिन्नता इसका मतलब होता है कि जब कोई हमारे अंदर कोई हानिकारक कोई पदार्थ होता है,
या फिर कोई रोगजनक होता है, जब वो हमारे अंदर जब प्रवेश करता है तो ये हमारे शरीर की सेल्स यानी कि जो कोशिकाएं जो है उन्हें पहचान लेती है, और जो बाहर से जो हमारे नुकसान पहुंचाने वाला जो फॉरेन पार्टिकल है यानी कि जो सूक्ष्म जीव है या फिर कोई भी चीज़ है तो उसे पहचान लेता है। तो यही है कि एक दूसरे के बीच विभिन्नता, यानी अपने आप को पहचान लेता है जो इसके अंदर वो है और दूसरे को भी वो पहचान लेता है। तो ये किसका एक विशिष्ट लक्षण भी है यह। बाहरी सूक्ष्म जीवों कोमा अणुओं तथा शारीरिक कोशिका को पहचान कर विभेद विभेद उत्पन्न कर सकती है। ठीक, यानी कि जब कोई बाहरी सूक्ष्म जीव होगा या फिर कोई अणु होगा तथा शारीरिक कोशिकाओं को पहचान कर उनमें विभेद उत्पन्न करती है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जब कोई बाहरी जो पार्टिकल होगा उन्हें नष्ट करने का ये काम करती है, हमारे शरीर की जो सेल्स हैं उनको नष्ट नहीं करती है। तो ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में आई होगी। तो मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ। अब हम इसकी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है इसकी जो सेल्स होती हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं तो वो कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।